हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ITI थ्योरी एंड प्रैक्टिकल पे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं स्टार डेल्टा स्टार्टर पर। स्टार डेल्टा स्टार्टर की आवश्यकता क्यों होती है और इसका उपयोग हम कहाँ पे करते हैं और स्टार और डेल्टा कनेक्शन है उसके बारे में भी हम आज पूरी डिटेल से बात करेंगे और स्टार डेल्टा स्टार्टर की जो डेरिवेशन है उसके बारे में भी हम आज पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, अगर हम इंडक्शन मोटर की स्टार्ट होने की बात करें तो उसे स्टार्ट करने के लिए स्टार्टर की जरूरत नहीं पड़ती है। वो एक सेल्फ स्टार्टिंग मशीन है क्योंकि और उसको स्टार्ट करने के लिए किसी भी एक्स्ट्रा एफर्ट की जरूरत नहीं पड़ती है और फिर भी हम स्टार्टर का यूज या फिर उपयोग करते हैं, तो इसकी आवश्यकता क्यों होती है इस पर हम आज पूरी डिटेल से बात करेंगे। जैसा कि सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है आवश्यकता, और आवश्यकता में एक नंबर की बात करें हम तो यहाँ पे लिखा हुआ है मोटर को प्रारंभ में कम वोल्टेज प्रदान करके स्टार्टिंग करंट के मान को स्टार्टर के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो थ्री पेज गिलहरी पिंजरा प्रेरण मोटर होती है वो सीधा सप्लाई से स्टार्ट किया जाए तो ये कुछ सेकंड तक अपनी पूर्ण लोड धारा यानी कि पाँच से छः गुना करंट अधिक लेती है, जिसके कारण उसमें वोल्टता ड्रॉप यानी कि वोल्टता पात होता है, यानी कि उसके अंदर वोल्टेज का ड्रॉप होता है, वोल्टेज वहाँ पे वोल्टेज में कमी आ जाती है। इस अवस्था से बचने के लिए यदि मोटर को पहले स्टार में जोड़कर चलाया जाए तो स्टार में प्रत्येक फेज वाइंडिंग है वो लाइन वोल्टता का 1/√3 यानी कि हम कह सकते हैं 58% वोल्टेज मिलती है। इसी कारण मोटर अपनी लाइन करंट का स्टार्टिंग में 1/3 करंट लेती है, जिससे लाइन में वोल्टता ड्रॉप कम हो जाता है। और जब मोटर 75% गति पर चलने लगती है तो मोटर को हम क्या करते हैं डेल्टा में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी कि हम क्या करते हैं स्टार कनेक्शन के द्वारा 1/√3 वोल्टेज यानी कि 58% जो मेन डेल्टा में जितना वोल्टेज मिलता है उसका 58% वोल्टेज हम क्या करते हैं स्टार्टिंग के समय स्टार कनेक्शन के अंतर्गत देते हैं, और जो करंट होती है उस करंट को हम 1/3 यानी कि जो 45 एम्पियर डेल्टा में मिलती है मोटर को उसको हम 15 एम्पियर क्या करते हैं उसमें स्टार में देते हैं। ये तो इसी कारण हम क्या करते हैं स्टार्टर का उपयोग करते हैं। उसके बाद में दूसरा पॉइंट है कि मोटर को ओवरलोड स्थिति से सुरक्षा प्रदान करना, यानी कि जो मोटर ओवरलोड स्थिति से मोटर की सुरक्षा के लिए स्टार्टर में एक थर्मल ओवरलोड रिले लगी होती है जो कि फेज के श्रेणी क्रम में लगी होती है। जब मोटर पर लोड अधिक होगा तो मोटर को करंट का मान भी अधिक होगा, जिसके कारण फेज के श्रेणी क्रम में लगी रिले जो कि बाईमेटालिक जिसको बोलते हैं द्विधात्विक पति गर्म होकर चुंबकीय कॉइल का परिपथ तोड़ देती है और अपनी वापस मोटर ऑफ स्थिति में आ जाती है। तो इसीलिए हम करते हैं इस ओवरलोड रिले का प्रयोग। उसके बाद में तीन नंबर पॉइंट है मोटर को कम वोल्टेज से सुरक्षा प्रदान करना। जब NVC यानी कि मैग्नेटिक कॉइल में कम वोल्टेज आएगा जिसके कारण उसमें मैग्नेट चुंबक कम बनेगा और जिसके कारण ये ऑन स्थिति से जकड़ कर उस हैंडल को नहीं रख पाएगी और वापस मोटर क्या करेगी अपनी ऑफ स्थिति में लौट जाएगी। और चार नंबर कारण है मोटर को स्टार्टर के द्वारा सुविधाजनक तरीके से ऑन ऑफ करने के लिए, और इसी कारण हम क्या करते हैं हम स्टार डेल्टा स्टार्टर का उपयोग करते हैं। इसके बाद में हम आगे देखते हैं। जैसा कि दोस्तों आपको पता है स्टार डेल्टा स्टार्टर की बात करें तो इसके टाइप जो है तीन प्रकार के स्टार डेल्टा स्टार्टर होते हैं, जिसमें सबसे पहला है मैनुअल स्टार डेल्टा स्टार्टर और उसके बाद में सेमी ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर, उसके बाद में ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर। तो यहां पे हम इन तीनों पे बारी बारी से बात करेंगे, लेकिन यहां पे मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि जो मैनुअल स्टार डेल्टा स्टार्टर होता है उसको क्या किया जाता है, वहां पे एक हैंडल के द्वारा हम पूरा हस्तचालित यानी कि एक हैंडल को हम पूरा हाथ से स्टार्ट कर स्टार में चलाते हैं, उसके बाद में वापस हम क्या करते हैं उसको डेल्टा में कन्वर्ट करते हैं। और उसके बाद में आता है अर्ध हस्तचालित, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, एक होगा स्टॉप पुच बटन, एक होगा ऑन पुच बटन। तो ऑन पुच बटन को जैसे ही हम प्रेस करेंगे तो मोटर स्टार के अंदर स्टार्ट हो जाएगी, और जैसे ही उसको प्रेस यानी कि उसके ऊपर से दबाव हटाएंगे तो मोटर वापस डेल्टा में कन्वर्ट हो जाएगी। और स्टॉप करने के लिए हमारे पास में एक स्टॉप पुच स्विच होता है। उसके बाद में आता है स्वचालित स्टार डेल्टा स्टार्टर यानी कि ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर, और इसमें दो स्विच होते हैं, एक ऑन पुच बटन और एक होता है ऑफ पुच बटन। जैसे ही मोटर को स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करने के लिए ऑन पुच बटन होता है, उसको प्रेस करेंगे तो मोटर स्टार्ट हो जाएगी, स्टार में चलने लगेगी। और उसके अंदर एक टाइमर रिले लगी होती है, वो क्या करते हैं उसमें जितना टाइम हम सेट करते हैं जैसे कि 10 सेकंड कर दिया, और उस 10 सेकंड के बाद में वो अपने आप डेल्टा में कन्वर्ट कर लेती है। और बंद करने के लिए हमारे पास में एक ऑफ पुच स्विच रहता है, NC पुच स्विच कह सकते हैं हम। इसके बाद में आता है स्टार्टर, जो हमारे पास में स्टार डेल्टा स्टार्टर है उसका उपयोग हम यूज कहाँ पे करते हैं, तो 3 HP से 20 HP तक की मोटरों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा 20 HP से अधिक HP की मोटरों को चलाने के लिए इस स्टार्टर का उपयोग क्यों करते हैं, तो इस क्वेश्चन पे भी हम आगे बात करने वाले हैं। और यहाँ पे आगे देखते हैं, अब हम सबसे पहले बात करते हैं स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन के बारे में कि मोटर के अंदर स्टार कनेक्शन किस प्रकार से किया जाता है और डेल्टा कनेक्शन किस प्रकार से किया जाता है और क्यों किया जाता है, इसके बारे में भी हम आज पूरी डिटेल से बात करते हैं।
और इसकी जो डेरिवेशन पार्ट है उसके बारे में भी हम यहाँ पे बात करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं कि थ्री फेज मोटर की वाइंडिंग को संयोजित करने की विधियाँ हैं, वो एक स्टार कनेक्शन, दूसरा है डेल्टा कनेक्शन। तो थ्री फेज मोटर को हमारे को वाइंडिंग को कनेक्शन करके चलाने के लिए हम क्या करते हैं, स्टार कनेक्शन और दूसरा करते हैं डेल्टा कनेक्शन। और सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं स्टार कनेक्शन की। तो यहाँ पे आपको पता है यहाँ पे कितनी वाइंडिंग दिख रही है मोटर के अंदर, तीन वाइंडिंग होती है थ्री फेज मोटर होने के कारण, और तीन वाइंडिंग के तीनों सिरे जो यहाँ पे U2 और V2 और W2, इन तीनों को कॉमन करके यहाँ पे U1 और V1 और W1 इनको क्या करते हैं, सप्लाई, यानी कि हम कह सकते हैं कि तीनों कुंडलियों के स्टार्टिंग अथवा अंतिम सिरे एक साथ जोड़े जाते हैं और उसमें उसे क्या कहते हैं, स्टार कनेक्शन कहते हैं। तो यहां पे हम जैसे कि ये तीनों कॉमन कर दिए पॉइंट और तीनों में यहां पे सप्लाई दे दी है, और एक ये होता है कनेक्शन, और दूसरा यहां पर ये भी आपको कहीं देखने को मिल जाएगा क्योंकि यहां पे देख दिया गया है एक ये वाइंडिंग होगी और दूसरी ये और तीसरी वाइंडिंग। और यहां आपको पता है कि एक वाइंडिंग के कितने सिरे होते हैं, दो सिरे होते हैं, तो यहां पे V1 और V2, W1, W2 और U1, U2 से सिरे हो गए। और अब जो अंतिम सिरे या फिर प्रारंभिक सिरे, इनको क्या करना है, आपको ये कॉमन करना है। यहां पे हम क्या कर रहे हैं, अंतिम सिरे U2, V2 और W2, ठीक है, इन तीनों को हमने क्या किया, यहां पे कॉमन कर दिया, और जो प्रारंभिक स्टार्टिंग सिरे थे इस वाइंडिंग के वहां पे हमने क्या किया, यहां पे सप्लाई दे दी L1, L2, L3। तो ये कनेक्शन हमारा हो जाएगा स्टार कनेक्शन। अब हम स्टार कनेक्शन की बात करते हैं, स्टार कनेक्शन का हम उपयोग कहां पे किया जाता है, इसका उपयोग क्यों करते हैं, उसके ऊपर बात करते हैं। तो आपको पता है इस संयोजन के द्वारा अल्टरनेटर को लाइट लोड और पावर लोड के एक साथ चलाया जा सकता है, यानी कि यहाँ पे अल्टरनेटर से सप्लाई मिल रही है हमारे को, वहाँ पे पावर लोड यानी कि वहाँ पे एक दो और तीन फेज काम आएंगे, ठीक है। अगर हमारे को वहाँ पे लाइटिंग लोड चाहिए तो हम क्या करेंगे, एक यहाँ से जो कॉमन सिरा किया हुआ है वहाँ से क्या करेंगे, एक न्यूट्रल लेंगे और इस न्यूट्रल और एक फेज लेंगे, तो वो हमारा हो जाएगा लाइटिंग लोड। तो वहाँ पे भी इसका उपयोग किया जाता है स्टार कनेक्शन का। उसके बाद में दो नंबर पॉइंट पे बात करते हैं, तो मोटर को प्रारंभ में कम वोल्टेज पर प्रचालित करने के लिए स्टार कनेक्शन का प्रयोग किया जाता है, जैसा कि हम यहाँ पे बात करेंगे आगे। तो आपको पता है मोटर को स्टार्टिंग के समय कम वोल्टेज से प्रचालित करना है, तो हम इस कौन से कनेक्शन का प्रयोग करते हैं, स्टार कनेक्शन का उपयोग करते हैं। उसके बाद में हम ये भी कह सकते हैं कि इसके द्वारा वितरण ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग संयोजित किए जाते हैं, यानी कि आपको पता है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर हमारे गांव के या फिर कहीं कॉलोनी में जो एक ट्रांसफार्मर लगा होता है, तो उस ट्रांसफार्मर में क्या होता है, यहाँ पे जो प्रारंभिक वाइंडिंग होती है वो डेल्टा से कनेक्ट होती है, जो और सेकेंडरी जो वाइंडिंग होती है वो स्टार से कनेक्ट होती है। सेकेंडरी वाइंडिंग स्टार से कनेक्शन करने का कारण ये है, वहाँ पे हमारे को लाइटिंग लोड चाहिए, तो लाइटिंग लोड के लिए हम क्या करते हैं, एक कॉमन जो सिरा है यहाँ से वहाँ से न्यूट्रल लेते हैं और यहाँ ये क्या करते हैं, फेज लेते हैं, तो वो हो जाता है लाइटिंग लोड, ठीक है। तो वहाँ पर भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। और उसके बाद में संतुलित लोड को बिना न्यूट्रल पर स्टार संयोजन करके पूर्ण किया जा सकता है, ठीक है। तो ये तो था स्टार डेल्टा स्टार्टर का उपयोग। उसके बाद में भी हम इसकी डेरिवेशन पार्ट्स को देखते हैं। तो आपको पता है स्टार कनेक्शन होता है, स्टार कनेक्शन में लाइन वोल्टेज बराबर √3 फेज वोल्टेज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे VL बराबर हम लिख सकते हैं √3 VP, VP यानी कि फेज वोल्टेज और VL यानी कि लाइन वोल्टेज। तो आपको यहाँ पे पता है लाइन वोल्टेज किसे कहते हैं, लाइन वोल्टेज यानी कि दो फेजों के बीच में जो वोल्टेज मापते हैं उनको बोलते हैं हम लाइन वोल्टेज। यहाँ पे जैसे कि आपको बताया गया है ये एक फेज ये हो गया L1 और दूसरा फेज हो गया ये L3, इनके बीच में जो हम वोल्टेज मापेंगे तो वो कौन सी हो जाएगी, VL यानी कि लाइन वोल्टेज। अगर हम फेज वोल्टेज की बात करते हैं तो यहाँ पे एक न्यूट्रल और एक फेज के बीच में जो वोल्टेज हम मापेंगे वो हो जाएगी फेज वोल्टेज। तो आपको ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो फेज लाइन वोल्टेज बराबर √3 फेज वोल्टेज होता है स्टार कनेक्शन के अंदर। उसके बाद में अब वोल्टेज यहाँ पे हम दूसरा या करके ये भी लिख सकते हैं कि फेज वोल्टेज बराबर लाइन वोल्टेज बटा √3, क्योंकि फेज वोल्टेज इस साइड में रख दिया और वापस √3 इसके इनटू में थे उसको हमने क्या किया, बराबर को उस साइड में भेजेंगे तो वो क्या होगा, भाग में चला जाएगा। तो यहाँ पे फेज वोल्टेज बराबर VL अपॉन √3 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ करंट की बात करते हैं हम, तो यहाँ पे लाइन करंट और फेज करंट दोनों क्या होती है, बराबर होती हैं, इन दोनों में कोई अंतर नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये लाइन करंट होगी और ये फेज करंट, दोनों आपस में बराबर होती हैं। अब इसकी थोड़ी सी डेरिवेशन पार्ट की बात करते हैं हम, तो यहाँ आपको पता है I बराबर क्या होता था ओम के नियम में, VR, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये ओम का नियम DC पे कार्य करता था, और यहाँ हम AC की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा I बराबर VPS यानी कि स्टार में जो फेज वोल्टेज है वो हो गया, और यहाँ पे आ गया इंपीडेंस यानी कि आपको पता है इंपीडेंस को हम किसे इंगित करते हैं, Z से इंगित करते हैं।
तो इम्पीडेंस यानी कि इसको हम प्रतिबाधा भी बोल सकते हैं, इसको हम ये कह सकते हैं कि किसी ऐसी परिपथ में विद्युत करंट के प्रवाह के लिए विद्यमान कुल जो अवरोध यानी कि प्रतिरोध किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रतिबाधा। यानी कि ऐसी परिपथ में जो विरोध होता है उस कॉइल के अंदर, वाइंडिंग के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रतिबाधा या फिर कहते हैं इम्पीडेंस। तो यहाँ पे आर की जगह ये प्रयोग कर लिया जेड को और यहाँ पे वी पी एस, ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका ये फॉर्मूला। उसके बाद में यहाँ पे वी पी एस यानी कि स्टार में फेज करंट बराबर यहाँ पे हो जाएगा वोल्टेज, लाइन का वोल्टेज ले लिया और अंडर रूट तीन यानी कि यह हो जाएगा फेज वोल्टेज बराबर क्या था, वी एल अपॉन अंडर रूट तीन था, तो यहाँ पे हो गया ये वी एल अपॉन अंडर रूट तीन और जेड का यहाँ पे जेड हो गया। उसके बाद में इसमें जो टोटल खर्च हुई पावर ज्ञात करनी है हमारे को स्टार कनेक्शन में, तो इसके लिए यहाँ पे ये समीकरण सूत्र रहेगा, ठीक है, तो अंडर तीन ई एल अपॉन ई एल इंटू आई एल और कॉस फाइव, ठीक है। अब हम बात करते हैं डेल्टा कनेक्शन की, तो डेल्टा कनेक्शन का उपयोग किया कहाँ पे किया जाता है, तो आपको पता है इंडक्शन मोटर को अगर रनिंग स्थिति में चलानी हो तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, डेल्टा कनेक्शन का प्रयोग करते हैं। और डेल्टा कनेक्शन किसे कहते हैं, तो आपको ये पता है कि इसमें संयोजन किस प्रकार से होता है, तो हमारे को ये भी पता है कि जो हमारे पास में थ्री फेज मोटर है तो इसकी तीन वाइंडिंग होगी, एक दो और तीन बना दी, ठीक है। उस थ्री फेज वाइंडिंग में एक वाइंडिंग के कितने सिरे होंगे, दो, तो यू वन यू टू वी वन वी टू और डब्ल्यू वन डब्ल्यू, तो ये भी हो गए, ठीक है। तो आपको पता है इसका कनेक्शन अब क्या करना है, जो पहली कुंडली का प्रारंभिक सिरा और दूसरी कुंडली का अंतिम सिरे से कनेक्शन करना है। तो इस प्रकार से हमने ऐसे कनेक्शन कर दिए, तो यहाँ पर ये पहला सिरा हो गया और यहाँ पे दूसरा सिरा हो गया, और ऐसे कनेक्शन करके आपको क्या करना है, यहाँ पे जो पहले सिरे थे U1, V1 और W1, यहाँ पे क्या करना है, L3, L1, L2, L3 देना है, यानी कि RYB भी कह सकते हैं हम, वहाँ पे यहाँ थ्री फेज सप्लाई को यहाँ पे इनपुट करवाना है। यहाँ पे इसमें भी क्या होता है, जो दो सिरे होते हैं U1 और V1, जैसे कि यहाँ पे हमने कनेक्शन किया है U1 और V2, ठीक है, इन दोनों को कनेक्शन करके L1 दिया, तो यहाँ पर भी हमने L1 दे दिया, और यहाँ पर क्या है U2 और W1, तो यहाँ पे U2 कहाँ गया, U2 और ये W1, और यहाँ कनेक्शन करके यहाँ पे L3 दे दिया, तो यहाँ पर भी हमने L3 दे दिया, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये दोनों संयोजन एक सेम है, ठीक है ना, आपको डायग्राम में अलग दिख रहे होंगे, उसमें आप कंफ्यूजन नहीं होना आपको, ठीक है। इसके बाद में भी हम बात करते हैं इसकी डेरिवेशन पार्ट्स पे, तो यहाँ पे आपको पता है जो डेल्टा कनेक्शन होता है, तो डेल्टा कनेक्शन में लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज दोनों क्या होते हैं, बराबर। और यहाँ पे आपको पता होना चाहिए लाइन वोल्टेज किसे कहते हैं और फेज वोल्टेज किसे कहते हैं, ठीक है ना, मैंने आपको पहले भी बता दिया। उसके बाद में आता है लाइन करंट और फेज करंट। करंट की बात करेंगे तो लाइन करंट बराबर क्या होता है, अंडर रूट तीन इंटू फेज करंट होता है, ठीक है। लाइन करंट डेल्टा में बराबर अंडर रूट तीन फेज करंट, ठीक है ना, ये भी कह सकते हैं। अगर हमारे को यहाँ पे बात करते हैं इम्पीडेंस की साथ में लेके, ठीक है ना, जैसे कि मैंने आपको बताया था वहाँ पे क्या होता है, ये यहाँ पे ये देखिएगा थोड़ा सा, या आई पी यानी कि फेज करंट बराबर क्या होता है, वी पी अपॉन इम्पीडेंस, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम फेज करंट है उसके उसकी जगह मान रख देंगे वी एल, ये वी पी को या फिर वी एल को, क्योंकि डेल्टा में वी पी और वी एल दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तो दोनों का मान यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा इसकी वी पी की जगह हम ये भी रख सकते हैं, ये मान भी रख सकते हैं, तो यहाँ पे हो गया आई एल डी हमारे को ज्ञात करना है, तो अंडर तीन की जगह अंडर तीन रख दो। उसके बाद में वी पी की जगह इसकी जगह हमारे को मान रखना है ये, तो यहाँ पे ये वी एल अपॉन इम्पीडेंस हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये भी इसका एक समीकरण निकल के सामने आ जाता है। उसके बाद में भी हम बात करते हैं इसके ऊपर कि फेज करंट बराबर लाइन करंट अपॉन अंडर तीन होता है, यानी कि फेज करंट इस साइड में अंडर तीन इसके इंटू में और बराबर को इस साइड में भेजेंगे तो क्या होगा, उसमें वो बटे में चला जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये भी हम कह सकते हैं, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे अगर कुल खर्च हुई पावर की बात करते हैं, तो यहाँ आपको पता है जो क्या होता है अंडर तीन ई एल आई एल और कॉस फाई, ये दोनों डेल्टा और स्टार में दोनों सेम होता है। अब पहले हमने बात की थी आपसे कि जो स्टार डेल्टा स्टार्टर है इसका यूज कहाँ पे किया जाता है, 3 HP से 20 HP तक की मोटरों को चलाने के लिए। और मैंने आपसे क्वेश्चन भी किया था कि जो हमारा स्टार डेल्टा स्टार्टर है उसको 20 HP से अधिक HP की मोटरों पर प्रयोग क्यों नहीं कर सकते हैं, तो इसके बारे में भी हम बात करते हैं। तो आपको पता है यदि इस प्रकार की मोटर को हैवी लोड के साथ में चलाया जाए, यानी कि 20 HP से अधिक HP की मोटर है उसको हैवी लोड के साथ में हम स्टार्ट करें किया जाए, तो वहाँ पे क्या होगा, स्टार डेल्टा स्टार्टर का यूज नहीं किया जाता है, इसकी अपेक्षा ऑटो ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर स्टार्टर का यूज करना चाहिए। ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर में वोल्टेज टैपिंग लाइन वोल्टेज का 58% से अधिक ले सकती हैं, जो बलागुण की आवश्यकता को उपयुक्त रहती है। यानी कि यहाँ पे हम मोटर का उपयोग नहीं करने का सीधा सिंपल कारण मैं आपको बता सकता हूँ कि यहाँ पे क्या होगा, जो हमारा ATS ट्रांसफार्मर ऑटो ट्रांसफार्मर होता है उसमें क्या है, स्टार के अंदर एक ट्रांसफार्मर लगा होता है, क्या लगा होता है, ट्रांसफार्मर। और यहाँ हम क्या करते हैं, जो मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क होता है, ठीक है ना, वो कम होता है, स्टार्टिंग टॉर्क कम होता है, हमने आपसे पहले भी बात की
डेल्टा की अपेक्षा जो हमारी स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर है उसमें टॉर्क स्टार में कितना कम होता है, 3 गुना कम होता है, क्योंकि ये किसके कारण हो रहा है, ये स्टार डेल्टा स्टार्टर के कारण इतना कम टॉर्क मिलता है, ठीक है। तो ये टॉर्क कम मिलेगा और अधिक एचपी की मोटर होगी तो इसके लिए ये उपयुक्त नहीं रहेगा। इसी कारण हम कह सकते हैं कि इसके लिए हम अधिक एचपी की मोटर है 20 एचपी से, तो वहाँ पे हम करेंगे ATS ट्रांसफार्मर का प्रयोग, ठीक है ना, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर का प्रयोग करेंगे। वहाँ पे क्या होता है, स्टार के अंदर एक ट्रांसफार्मर जुड़ा होता है और वहाँ से अलग अलग टैपिंग निकाली जाती है और उस टैपिंग के द्वारा जो स्टार कनेक्शन होता है, स्टार कनेक्शन के अंदर 58% से अधिक वोल्टेज मिलती है मोटर को, और जिससे कि मोटर का वोल्टेज अधिक होगा तो वहाँ पे स्टार्टिंग टॉर्क है वो भी क्या होगा, वहाँ पे बढ़ जाएगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं 20 एचपी से अधिक एचपी की मोटरों के लिए ATS ट्रांसफार्मर। तो दोस्तों हमने आपको पहले ये आवश्यकता में बताया था कि जो हमारी मोटर है वो शुरुआत के अंदर स्टार्टिंग के समय 5 से 6 गुना करंट लेती है और उसको स्टार्टिंग के समय कम करने के लिए हम क्या करते हैं, स्टार कनेक्शन का उपयोग करते हैं। और स्टार कनेक्शन क्या करता है, शुरुआत के अंदर 1/3 यानी कि 58% वोल्टेज कम लेता है और उसके बाद में वापस वो जितनी लाइन में जितनी वोल्टेज मिल रही है वो वापस मोटर को कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पे हम डेरिवेशन के द्वारा हम आपको पूरा प्रैक्टिकली रूप से बताएंगे कैसे इसमें शुरुआत के अंदर ये मोटर जो हमारी है 58% वोल्टेज ले रही है और डेल्टा में पूरी वोल्टेज कैसे ले रही है, वो हम आपको यहाँ पे डेरिवेशन के द्वारा पूरी डिटेल से बताएंगे। तो यहाँ जैसा कि आपको पहले मैंने स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन के बारे में, दोनों के बारे में बताया था और आपको ये भी बताया, जो स्टार कनेक्शन है वहाँ पे लाइन वोल्टेज बराबर क्या होता है, 3/√ फेज वोल्टेज, और जो स्टार में करंट होती है वो लाइन करंट और फेज करंट बराबर होती है, और डेल्टा में वोल्टेज बराबर होता है और लाइन करंट 3/√ फेज करंट के मान के होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम सबसे पहले डेरिवेशन की बात करते हैं, तो यहाँ करेंगे हम पहले करंट पे बात। तो आपको पता है कि यहाँ पे जो डेल्टा में मोटर है कितनी करंट लेती है और स्टार में करंट कितनी लेती है उसके ऊपर बात करेंगे। तो यहाँ आपको पता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, स्टार में लाइन करंट अपॉन डेल्टा में लाइन करंट। तो आपको ये बताना है कि स्टार में जो लाइन करंट मोटर ले रही थी वो कितनी ले रही थी, तो यहाँ पे हो जाएगा स्टार में लाइन करंट कितनी थी, VLS अपॉन 3/√ इम्पीडेंस, ठीक है। उसके बाद में अपॉन में वापस आपको देखना है डेल्टा में लाइन करंट कितनी थी, डेल्टा में लाइन करंट आपको मैंने यहाँ पर बताया था ILD अपॉन क्या होता है, 3/√ VLD और अपॉन Z, ठीक है। तो यहाँ हम वापस क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे को 1/3 मान आएगा, LS अपॉन 3/√ इम्पीडेंस Z इंटू Z अपॉन 3/√ VLD, और यहाँ Z से Z कट जाएगा, उसके बाद में VLD और VLS यानी कि स्टार में जो लाइन वोल्टेज है और डेल्टा में लाइन वोल्टेज दोनों में बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम कट कर सकते हैं दोनों को, और उसके बाद में हमारे पास में क्या है, 1/3 × √3, और इसके बाद में हमारे को मान मिलेगा 1/3, क्योंकि इन दोनों को इंटू करेंगे तो हमारे के पास में आएगा 1/3। तो हम यह कह सकते हैं कि स्टार में जो लाइन करंट है वो बराबर जो डेल्टा में लाइन करंट के मान का 3 गुना होती है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, या हम ये कह सकते हैं जो डेल्टा में मोटर 45 एम्पियर ले रही है उसका भाग करेंगे 3, और उसके बाद में जो मान आता है हमारे पास में वो होगा स्टार में, ये करंट लेगी स्टार में और ये हो जाएगा डेल्टा में, तो यानी कि ये 3 गुना हुई नहीं हुई इसमें, ठीक है ना। तो स्टार में डेल्टा की अपेक्षा 3 गुना करंट क्या होती है, कम लेती है मोटर, ठीक है ना। तो ये हमारे को यहाँ से डेरिवेशन के द्वारा पता चल गया है, ठीक है, तो आपको ये भूलना नहीं है। अब दोस्तों हम बात करते हैं वोल्टेज के बारे में। तो आपको पता है जो मोटर हमारी स्टार में पहले कन्वर्ट करते हैं तो स्टार में मोटर 58% या फिर हम कह सकते हैं 1/√3, और जब 3/√ का भाग देंगे 1 में तो हमारे पास में आएगा 57.7%। तो इतना वोल्टेज क्या होता है स्टार में हमारी मोटर लेती है डेल्टा की अपेक्षा। तो ये कैसे लेती है वो हम डेरिवेशन पार्ट से बात करते हैं वोल्टेज के बारे में, ठीक है। तो वोल्टेज के बारे में हम बात करने वाले हैं, और यहाँ आपको पता है जो वोल्टेज स्टार में अपॉन वोल्टेज डेल्टा में बात करेंगे, तो यहाँ जो स्टार में जो वोल्टेज लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज की बात करेंगे तो यहाँ जो फेज वोल्टेज है वो क्या हो जाएगा, आपको पता है मैंने यहाँ पे आपको बताया था, ठीक है ना। तो यहाँ हो जाएगा VL अपॉन 3/ जो VL डेल्टा की बात करेंगे तो डेल्टा में मैंने आपको बताया था यहाँ पे वोल्टेज लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज दोनों बराबर होते हैं, तो यहाँ हम कर देंगे लाइन वोल्टेज, ठीक है। आगे देखते हैं VL अपॉन 3/√1
वी एल, वी एल से वी एल यहाँ से कट हो जाएगा, उसके बाद में हमारे को मिलेगा 1/√3, और 1/√3 का भाग देंगे तो हमारे को मिलेगा 57.7%। ठीक है, तो यहाँ हम कह सकते हैं जो स्टार में हमारे को वोल्टेज मिलती है वो डेल्टा की कितनी मिलती है, 3/√3 मिलती है। ठीक है ना, यानी कि हमारे डेल्टा में अगर 400 वोल्टेज मिल रही है और 3/√3 का हम वापस इसमें भाग देंगे तो लगभग 231 आएगा। इतना वोल्टेज हमारे को क्या होगा, इतना वोल्टेज हमारे को स्टार में मिलेगा और जो ये लाइन वोल्टेज है वो हमारे को मिलेगा डेल्टा के अंदर। तो यहाँ हम डेरिवेशन पार्ट्स के द्वारा हमने देखा कि जो स्टार में वोल्टेज है वो हमारे को 231 वोल्टेज मिल रहा है और डेल्टा में हमारे को पूरा लाइन वोल्टेज जितना आ रहा था उतना वोल्टेज हमारे को मिलता है। ठीक है ना, तो ये बात होगी इसमें वोल्टेज के बारे में। अब हम बात करते हैं टॉर्क के बारे में, यानी कि आघूर्ण। ठीक है ना, तो मोटर को जो टॉर्क मिलता है उसके बारे में बात करते हैं। तो आपको पता है मोटर में जो विकसित टॉर्क है आरोपित वोल्टेज के क्या होता है, वर्ग के समानुपाती होता है। तो यहाँ पे हम टॉर्क की बात कर लेते हैं, और टॉर्क क्या होता है, हमेशा वोल्टेज के वर्ग के समानुपाती होता है। ठीक है, तो यहाँ स्टार्टिंग के अंदर टॉर्क की बात करेंगे और उसके बाद में डेल्टा में टॉर्क की बात करेंगे। तो स्टार्टिंग में टॉर्क की बात करते हैं, तो यहाँ हो जाएगा टॉर्क जो मिलता है तो यहाँ पे यानी कि वी एल अपॉन अंडूड तीन, यानी कि हमारे वोल्टेज के समानुपाती में होता है। तो वी एल स्टार का लेंगे तो स्टार में जो फेज वोल्टेज की बात, वी एल अपॉन अंडूड तीन, और उसके बाद में डेल्टा में वोल्टेज की बात करेंगे लाइन वोल्टेज, तो वहाँ पे हो जाएगा वी एल, क्योंकि लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज डेल्टा में समान होते हैं। और इन दोनों का हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर कर लेंगे और उसके बाद में यहाँ आगे देखेंगे तो वापस इसको सॉल्व करेंगे। तो वी एल अपॉन अंडूड तीन दोनों का होल स्क्वायर और इंटू वी एल, यहाँ एक नीचे रख सकते हैं हम, तो वापस ये हो जाएगा 1/VL² ठीक है। तो वापस वी एल से यहाँ पे वी एल कट गया और उसके बाद में हमारे को मिलेगा 1/√3 होल स्क्वायर, और उसके बाद जैसे ही होल स्क्वायर को वापस सरल करेंगे तो हमारे को मिलेगा 1/3 ठीक है। तो यहाँ हम कह सकते हैं जो स्टार में टॉर्क होता है वो डेल्टा की अपेक्षा तीन गुना कम होता है। ठीक है ना, तो यहाँ हो जाएगा डेल्टा का टॉर्क अपॉन तीन, यानी कि अगर डेल्टा में हमारे को 45 का टॉर्क मिल रहा है तो हमारे को स्टार में कितना टॉर्क मिलेगा, इसका 3 का भाग देना है, वो हमारे को स्टार में मिलेगा टॉर्क। ठीक है, तो स्टार में 15 टॉर्क मिलेगा और डेल्टा में 45 का टॉर्क मिलेगा। कितने गुना कम मिलेगा, 3 गुना कम हमारे को स्टार में टॉर्क मिलेगा। तो हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको सिखाया कि स्टार कनेक्शन क्या होता है और डेल्टा कनेक्शन क्या होता है, और स्टार कनेक्शन में कितनी वोल्टेज मिलती है और डेल्टा कनेक्शन में कितनी वोल्टेज मिल रही है, यह हमने एक गणितीय गणना के द्वारा आपको पूरी अच्छी तरीके से बताया। इसके बाद में हम बात करने वाले हैं आपके पास में, जैसा कि हमने आपको बताया था कि स्टार डेल्टा स्टार्टर 3 प्रकार के होते हैं, एक मैन्युअल, दूसरा सेमी ऑटोमेटिक, उसके बाद में ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा। तो यहाँ पे हम अगले वीडियो में बात करेंगे सबसे पहला मैन्युअल स्टार डेल्टा स्टार्टर के बारे में पूरी डिटेल से बात करेंगे। तो अगर आपको हमारे ये प्रयास अच्छा लगा है तो आपके दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक कमेंट करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।